हेलो फ्रेंड्स, मैं तपेश माथुर, फाउंडर डायरेक्टर आर्ट एंड आर्ट अकेडमी। इस बार मैं कुछ नया लेकर आया हूँ आपके लिए, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली है क्या? जी हाँ, आपके मन में सवाल आ रहा होगा इस बार सर क्या बोलने वाले हैं। एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हाउ टू क्रैक एनएड एग्जाम 2023। ऑफकोर्स आपको सुन के अच्छा लग रहा होगा, तो फटाफट से कॉपी लेकर आइए, पेन लेकर आइए। मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगती है या आपको लगता है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, इसको जल्दी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? So, on the basis of previous year exam 2022 NID, so उसके basis पर मैंने बहुत सारी चीजें निकाली और आपको उसके चीज समझाने वाला हूँ। लास्ट ईयर जो एग्जाम था हमारा, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 31 क्वेश्चन नंबर। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी डिजिट नहीं है 3 आवर्स के पेपर को क्रैक करने के लिए, बिकॉज एक सफिशियंट टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इस पेपर को क्रैक किया जा सकता है। अगर मैं इन जीके क्वेश्चन की बात करता हूँ तो 12 to 15 क्वेश्चन आपके जीके के थे। आपके अगर रीजनिंग की बात की जाए तो उसमें 7 to 10 आपके क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। इंग्लिश की बात की जाए अनसीन पैसेजेस के साथ में, तो देखा जाए तो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हैं। और क्रिएटिव की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके केवल 8 ही हैं, लेकिन इंडिविजुअल क्रिएटिव ड्रॉ करने के बेसिस पर बात करें तो टोटल क्रिएटिव 8 आपको ड्रॉ करना है। अब देखिए 8 क्रिएटिव ड्रॉ करना है, इट मीन्स एनआईडी का पूरा पेपर आपका क्रिएटिव बेसिस पर है। तो हम ये बात करते हैं कि पेपर कैसे क्रैक करना है और इसकी इनिशियल स्टार्टिंग क्या करनी है। ठीक है, पेपर को जिस अकॉर्डिंग जमाया गया है उस अकॉर्डिंग ऑलरेडी वो सिस्टम के अकॉर्डिंग जमा हुआ है, क्योंकि जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और क्रिएटिव ये ऐसे ही जमा हुआ है। लेकिन 3 घंटे में जब पेपर हम देखते हैं, और जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट के मैंने फीडबैक लिया है उसके बेसिस पे मैंने देखा, उन्होंने यही ओपिनियन दी मुझे कि सर पेपर हमारा छूट गया है, क्रिएटिव के कुछ चीज़ नहीं कर पाए, या जीके पे हमें दोबारा जाने का मौका नहीं मिला, इंग्लिश का अनसीन पैसेज पूरा छूटा हुआ है। सो आप कैलकुलेट करते हैं क्या है। अगर हम जीके की बात करते हैं, देखिए जीके में या तो आंसर आपके पास आएगा या आंसर आपको नहीं आएगा, क्लियर है? तो अगर हम 12 टू 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो 7 मिनट्स में आपके हो जाने चाहिए। अगर रीजनिंग की बात करें तो मैंने हर एक क्वेश्चन को 3 मिनट्स दिए, बिकॉज 3 मिनट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर हम लेते हैं तो 30 मिनट्स हमें लग रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। अब रही बात इंग्लिश में अनसीन पैसेज जो आया था, अगर हम क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि 6 क्वेश्चन उसने दिए हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं और फिर अनसीन पैसेज को रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो काफ़ी स्पॉट मिलेगा आंसर ढूंढने में और फटाफट आंसर ढूंढ सकते हैं। और ये भी MCQs के अंदर ही है, इट मीन्स टाइम कम लगेगा। और मुझे लगता है 10 मिनट्स में अनसीन पैसेज सॉल्व हो जाना चाहिए, बिकॉज रीड करना है, दैट्स वाई द रीजन 6 क्वेश्चन को पैराग्राफ के बेसिस पर करना है, 10 मिनट सफिशियंट है। तो 30 मिनट्स हमने लिए रीजनिंग के लिए, 7 लिए हमने जीके के लिए, और 10 अप्रॉक्स हम लेते हैं इंग्लिश के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए 50 मिनट लमसम आपके फिनिश हो जाते हैं पूरे पेपर को करने के लिए, और लास्ट में आपका एक सेशन बचता है, वो है आपका क्रिएटिव। तो अगर 180 मिनट की बात करते हैं, 50 मिनट हमने पेपर कर चुके हैं और हमारे पास 130 मिनट अभी बचे हुए हैं, ये 130 मिनट हमारे पास क्रिएटिव के हैं, लेकिन 130 मिनट्स हैं और 8 क्रिएटिव हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर 130 मिनट में सभी क्वेश्चन के क्रिएटिव को आउटलाइनिंग करके ड्रॉ करके छोड़ दें, मान लीजिए आपके पास जो एक क्वेश्चन आया था 28 नंबर का जो क्वेश्चन था वो था टैप, एक नल दिया था और उन्होंने कहा था किसी 3 कैटेगरी के लिए आपको वो टैप को रीडिजाइन करना है, मॉडिफाई करना है। तो अगर हम केवल उसको ड्रॉ करके छोड़ दें, उसमें रेंडरिंग ना करें, कलरिंग ना करें या डिटेलिंग ना करें, थोड़ा बहुत करके छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट आता है आपका स्टोरी बोर्डिंग का, जिसमें 3 फ्रेम्स आपको बनाने थे, वो 3 फ्रेम सोचने की वजह से टाइम लगेगा। तो जैसे वो 3 फ्रेम आपको समझ में आए, आपने फटाफट ड्रॉ किए और आपने छोड़ दिए। फिर आपका एक था सीन जिसमें साइकिल्स के पार्ट्स आए थे और वो पूरी साइकिल आपको असेंबल करनी थी। देखिए अगर साइकिल के पार्ट्स आपको ड्रॉ करने हैं और कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें करना ये है कि कंपाइल करने के लिए एक बेस चाहिए होता है, साइकिल में चेचिस होता है जो बिल्कुल कुछ ऐसा रोम्बस स्टाइल में होता है, अगर पहले आप वो रखते और सबको कस्टमाइज करना स्टार्ट करेंगे तो साइकिल कंटिन्यू बनती चली जाएगी, लेकिन वहाँ किसी का ध्यान नहीं गया होगा बिकॉज साइकिल को किसी ने एक डिटेल में ऑब्जर्व नहीं करा होगा। सेकेंड चीज़, अगर उन्होंने साइकिल दी है तो कुछ और ऐसा आइटम दे सकते हैं जो डे टू डे लाइफ से जुड़ा होगा, आप काफ़ी क्लोज होंगे उसके, लेकिन आपको उसकी सभी पार्ट्स की नॉलेज नहीं होगी।
साइकिल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है या स्कूल से पास आउट है, उसको साइकिल के बारे में नॉलेज रहती है, दैट्स व्हाई द रीजन उन्होंने साइकिल दी है। सो और कुछ भी आपको दिया जा सकता है जिसमें आपको उसको कॉम्पोजिट, एक्चुअली देखा जाता है ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन दिया है आपको कॉम्पोजिशन का, ये किसी समय में नाटक के अंदर आया करता था, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन लिया है, कहीं से रेफरेंस लिया है इन्होंने। सो मुझे लगता है कि अभी अगर दोबारा कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज रखें कि वो दिखते कैसे, उनकी डिटेलिंग कैसे रहती है, ठीक है। सो लास्ट आपका एक क्वेश्चन था पर्सपेक्टिव का। देखिए पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन में उन्होंने पूरा सीन दिया है और विंडो में उसका फ्रेंड उसको देख रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि विंडो में से जो फ्रेम फ्रेंड देख रहा है उस इंटीरियर व्यू को, उससे वो कैसा दिख रहा है वो आपको ड्रॉ करना है। तो आपको पर्सपेक्टिव की नॉलेज बहुत जबरदस्त चाहिए, और अगर ये आपके पास है नॉलेज जैसे ही रिवर्स ऑर्डर में बन जाएगा, वो सीन आपको यहां से दिया है लेकिन वो सीन पूरा उल्टा घूम जाएगा और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा लेआउट रेडी करना है। सो दैट्स व्हाई अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो जो आपके नंबर ऑफ टोटल क्रिएटिव 8 है, उस 8 की आउटलाइनिंग हो गई है। तो मान लीजिए अगर आप सभी की आउटलाइनिंग करते हैं और ये हाफ एन आवर में हो जाती है। देखिए एनआईडी के क्रिएटिव को करने के लिए आपकी स्केचिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए और स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि 8 क्रिएटिव को 130 मिनट में बनाना बहुत मुश्किल है। देखिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है। अगर आपकी स्केचिंग, मैं आई रिपीट स्केचिंग बोल रहा हूँ, ड्राइंग नहीं बोल रहा, बिकॉज यहाँ स्केच मांगा गया है 130 मिनट के अंदर, तो अपने स्केचिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, लाइव स्केचेस बनाइए। और अगर मुझसे सजेशन चाहिए तो मेरा नंबर आपको पता है क्या है, 9255111000, इस पर मुझे कॉल कीजिए या आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल आई रिपीट 1-to-1 दोबारा बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 आप जीके फिनिश कीजिए, नंबर 2 आप रीजनिंग फिनिश कीजिए, नंबर 3 अनसीन पैसेजेस कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ से टेंशन फ्री हो गए, अब आपका क्रिएटिव बचा है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रिएटिव छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा एग्जाम डिजाइनिंग का है, डिजाइन मीन्स क्रिएटिव डेफिनेटली होना चाहिए, तो क्रिएटिव आपको छोड़ना नहीं है। या हम एक चीज और कर सकते हैं, जीके कर लिया, रीजनिंग कर लिया, इंग्लिश कर ली, अब एक जाते हैं 2 क्रिएटिव क्वेश्चन करते हैं और वापस आते हैं। पहले एनआईडी के पेपर में ऐसा होता था कि वो कुछ मैथ के क्वेश्चन में डाल दो, देखिए अभी लास्ट ईयर नहीं आए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो इस बार मैथ के क्वेश्चन में डाल दो, और ज्यादा नहीं 3-4 क्वेश्चन वो डालता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आ सकते हैं, लगता है, मैं आपको बोल रहा हूँ लगता है, आप मेरी बात पे गौर मत कीजिए, तपेश सर ने बोला था कि नहीं आएंगे, तो ये ध्यान रखना ऐसा अजम्पशन है, आ भी सकते हैं क्योंकि उसने लास्ट ईयर नहीं दिए, तो मुझे लगता है आ सकते हैं क्वेश्चन, प्रिपरेशन डेफिनेटली आप कर लीजिएगा। सो क्रिएटिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट कि क्रिएटिव क्वेश्चन 8 आपको दिए हैं, तो 8 के 8 आउटलाइनिंग कर लें, आउटलाइन होने के बाद फिर मार्किंग स्कीम देखें कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें मिल रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं पहले उसे फिनिश करें, फिर जिसमें कम मिल रहे हैं फिर उसको लें, सबसे ऐसे इस अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर टाइप में आप जाएंगे और इस अकॉर्डिंग आप क्रिएटिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। एक और चीज ये मैंने बताया कि हाउ टू क्रैक एनआईडी एग्जाम, मतलब एनआईडी एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, इट मींस ये जो मैंने बताया ये तो सॉल्विंग प्रोसीजर है कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है, अब एग्जैक्टली बताते हैं इसे कैसे क्रैक करेंगे, क्रैक इन द सेंस आप एनआईडी कैसे जा सकते हैं, करेक्ट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम जीके की बात करें, जीके में आपने देखा होगा एलन मस्क के बारे में बताया गया है, और जो जो क्वेश्चंस मैंने जीके में देखे और वो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि वो उसी साल के या उससे एक साल पहले के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक है, तो अगर आपको जीके लर्न करनी है तो करंट अफेयर्स की मार्केट में बुक्स अवेलेबल होती हैं, आप लेके आइए, उन्हें रीड भी कर लेंगे, यहाँ ऑप्शंस आते हैं, आप आराम से ढूंढ सकते हैं। एक और चीज, एनआईडी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो ये प्लस पॉइंट है हमारा, हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे, पेपर छूटना नहीं चाहिए, 3 घंटे के अंदर पेपर आपका छूट गया समझना आपके हाथ से बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। एक ओलंपिक का क्वेश्चन था, ठीक है, ओलंपिक का क्वेश्चन इन्होंने दिया है, इसमें ओलंपिक के करेक्ट लोगों को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन आप देखेंगे कि ओलंपिक का क्वेश्चन 2022 में दिया है, ओलंपिक उसी के आसपास का टॉपिक है, ठीक है, और नॉइज पोल्यूशन का इशू दिल्ली में हुआ था ये भी उसी का क्वेश्चन है, आप देखेंगे एलन मस्क का क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया वो भी उसी के आसपास था, और एक्वाटिक फ्लाइट लेस बर्ड इसके बारे में भी रिसेंटली न्यूज में अवेलेबल था ये टॉपिक। ड्रामा फिल्म अबाउट द प्रोमिनेंट उर्दू ऑथर
इसके बारे में भी टॉपिक था। तो अब देखिए जीके के जो टॉपिक है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान रखें, वो पढ़ सकते हैं। रीजनिंग अनलिमिटेड है, जितनी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।